जानते हैं कि शीला जी ने जब वो मुख्यमंत्री थी तो क्या नहीं किया दिल्ली के लिए। हम सब दिल्ली के वासी हैं, दिल्ली में पले हैं, दिल्ली में बड़े हैं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा जितनी सड़कें यहां बनी उनके समय में। आज तक अगर आम आदमी पार्टी या भाजपा बता दे कितनी सड़क बनाई है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। फ्लाईओवर उन्होंने बनवाए, मेट्रो उन्होंने बनवाया, तमाम विकास के कार्य उन्होंने कराए। आम आदमी पार्टी के नेता और भाजपा के नेता एक चीज में बहुत सक्षम है, पब्लिसिटी कराने में। प्रधानमंत्री जी 5200 करोड़ रुपए सिर्फ अपनी पब्लिसिटी में डलवाते हैं, और केजरीवाल जी भी कोई कम नहीं है, सिर्फ दिल्ली के चुनाव में 611 करोड़ रुपए खर्चे हैं पब्लिसिटी में। अब बताइए इतनी पब्लिसिटी की क्या जरूरत है अगर काम ही बात कर रहा है। अगर आपका काम दिख रहा है तो उसे बढ़ाने चढ़ाने की इतनी क्या क्या जरूरत हो गई है। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काम कम है। कहते हैं कि शिक्षा में बहुत कार्य किया, लेकिन जितनी पाठशालाएं और जितने विश्वविद्यालय दिल्ली में हैं वे कांग्रेस की सरकारों ने बनवाए। स्वास्थ्य को देखिए, कांग्रेस की सरकारों ने तमाम अस्पताल यहां पे बनवाए। जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी तो आपसे उन्होंने वादा किया था कि कम से कम 5 अस्पताल बनाएंगे, एक भी नहीं बनाया। कांग्रेस की सरकार ने 22,000 बेड अस्पतालों में बढ़ाए थे, इनके 5 सालों में केवल 3,000 बढ़े हैं। तो आप सोच सकते हैं कि बात एक तरह की होती है और असलियत यह है कि काम कुछ और हो रहा है, काम कम हो रहा है। दूसरों के काम के बल पर थोड़ा बहुत करके आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी पब्लिसिटी हो रही है। जहां जहां मैं जाती हूं, दुकानदारों से बात करती हूं, छोटे व्यापारी से बात करती हूं, सब त्रस्त हैं। सब मुझे कहते हैं कि GST नोटबंदी से एकदम मार खा गए हैं, कमर टूट गई है उनकी। यहां आते हुए मैंने देखा काफी नौजवान आ रहे थे इस मीटिंग के लिए, रोजगार के लिए तरस रहे हैं, लेकिन ये मुद्दे उठ नहीं रहे हैं इस चुनाव में। इसके बारे में आपसे बात नहीं की जा रही है। कोई दूसरे देशों की बात करता है, कोई फूट फैलाने की बात करता है, एक जने कहते हैं कि जो भी उनकी आलोचना करता है वो देशद्रोही है, कोई और कहते हैं कि जो भी उनकी आलोचना करता है वो भ्रष्ट है। जब कोई सवाल उठाता है आपके पक्ष में, जनता के पक्ष में, कि आपके लिए अच्छा क्या है, यहाँ पे विकास किस तरह से होना चाहिए, रोजगार क्यों नहीं है, तब उसका मुंह बंद करने की कोशिश होती है। अब आप जनता हैं, ये देश का केंद्र है, आप सब यहीं के निवासी हैं, बहुत समझदार हैं, पब्लिसिटी भी समझते हैं, मीडिया को भी समझते हैं, खास तौर से आप नेताओं को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो आपको अब पहचानना चाहिए। जरा अपने दिल के अंदर सोचिए, देखिए कि आपके लिए काम किसने किया है और आगे आप कैसा देश चाहते हैं, कैसा प्रदेश चाहते हैं। ये कोई छोटा चुनाव नहीं है, महत्वपूर्ण बात है। संजीदगी से लीजिए कि जब आप अपना वोट डालने जाएंगे तो किस तरह का देश बनाना चाह रहे हैं, किस तरह का प्रदेश बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि आज अगर आपके काम की बात नहीं हो, अगर रोजगार की बात नहीं हो, अगर विकास की बात नहीं हो, अगर वैसे मुद्दे नहीं उठे जिससे आपके जीवन पर असर पड़ता है, तो कुछ बहुत गलत हो रहा है। और इस गलती को ठीक करने के लिए आपके हाथ में सबसे बड़ा हथियार है।